आप सबको बहुत बधाई देता हूं। मैं सर्वप्रथम आज के इस अवसर पर कारगिल युद्ध में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले सभी भारत माता के वीर जवानों को नमन करता हूं और अपने वीर बलिदानियों को ये देश कभी भुला नहीं सकता है, हमेशा वो हमारे स्मरण में रहेंगे। अभी कारगिल युद्ध के बारे में हमारे अधिकारीगणों ने ही बताया किस प्रकार का वो युद्ध था और हमारे वीर सैनिकों ने इस युद्ध में दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों और विपरीत परिस्थितियों में अदम्य साहस, उत्कृष्ट रणनीति, अभूतपूर्व पराक्रम और महान धैर्य का परिचय देते हुए दुश्मन को भारत की सीमा से खदेड़कर विजय दिलाने का काम किया था। इस युद्ध में हमारे सैनिकों ने जिस वीरता और साहस का परिचय दिया वो हम सबको ले हमेशा स्मरण में रहेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां उनको हमेशा याद करेंगी, हमेशा उनके जीवन को ये युद्ध प्रेरित करता रहेगा। भाइयों बहनों, कारगिल की विजय गाथा की जब भी हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के वीर जवानों की चर्चा के बिना ये गाथा पूरी नहीं होती है। इस युद्ध में शहीद हुए अपने उन 75 सपूतों का ये बलिदान वीर भूमि कभी भुला नहीं सकती, जिन्होंने दुश्मन को नाको चने तक चबवा दिए थे। भाइयों बहनों, कोई भी युद्ध बिना राजनीतिक साहस और दूरदृष्टता के नहीं जीता जाता है। इसलिए आज के इस अवसर पर कारगिल के समय में देश का नेतृत्व करने वाले हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए हम सब लोगों को उत्तराखंड राज्य की स्थापना का अवसर मिला था, हम सब नए राज्य में हमारे नए राज्य का गठन हुआ था, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी आज के इस अवसर पर मैं भावांजलि अर्पित करता हूं। और आप सबको याद होगा देश की आजादी के बाद अनेक युद्ध देश के अंदर हुए और हमारी जो सेना है, भारत की सेना, वो विश्व की सबसे सशक्त सेनाओं में से एक रही है। हमेशा उसने दुश्मन को पीछे धकेलने का काम किया, हमेशा मात देने का काम किया, दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम किया और हर बार हम युद्ध के मैदान में युद्ध जीत जाया करते थे। लेकिन जब समझौते की मेज आती थी, यानी टेबल पर जब बात होती थी, तो हम जीता हुआ युद्ध टेबल पर हार जाते थे, क्योंकि ऐसी दूरदर्शिता का नेतृत्व तो नहीं था। और कारगिल का ये युद्ध मैं समझता हूं पहला युद्ध है जिसको भारत की सेना ने अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम से जहां युद्ध के मैदान में जीता, वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी के राजनीतिक नेतृत्व के कारण से उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एक इतिहास और भारत के लिए खड़ा हुआ, वो इतिहास है युद्ध के मैदान में सेना जीती और टेबल पर भी वो युद्ध हम जीत पाए। भाइयों बहनों, यह अवसर हमको हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से सेना न केवल पहले से अधिक सशक्त हो रही है बल्कि उसकी यश कीर्ति भी लगातार बढ़ रही है। और आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रातःकाली आज सैनिकों के बीच में द्रास क्षेत्र में वहां पर हमारे उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ये होता भी कैसे है जब नेतृत्व ऐसा होता है। अभी जनरल सबरवाल साहब यहां से बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात है कि पूरे विश्व के लोग जो नहीं चाहते कि भारत मजबूत भारत बने, भारत सशक्त भारत बने, भारत शक्तिशाली भारत बने, ऐसे लोग सारे षड्यंत्रों के तहत भारत की गति को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की गति को रोकने का प्रयास उन्होंने पिछले चुनाव में किया है, वो हम सब लोगों ने देखा है किस प्रकार से उन्होंने विदेशों से ऐसे राजनीतिक दलों की मदद की है, ऐसे स्लीपर सेल्स की मदद की है जिनके माध्यम से
वो भारत को कमजोर करके मोदी जी के चलते हुए कदमों को, भारत की बढ़ती हुई विकास की गति को रोकना चाहते हैं। हम सबको ये समय, मैं समझता हूं कि सेना के लोग हों या भारत के लोग हों, पहली बार या सेना का मनोबल बढ़ाने की बात हो या भारत को आगे बढ़ाने की बात हो, भारत के इतिहास में ये समय पहली बार आया है जब पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। भारत अगर कुछ बोलता है तो आज पूरा विश्व देखता है। भाइयों बहनों, एक समय ऐसा था कि विश्व के मंचों पर हम जब एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।